खूबसूरत नाम ने आप सबों को सलाम। सब अपना हाथ उठाएं, सब लोग खुश हैं। हालेलुया। पिछले संडे वाह कसर लग गई जी, यानो की लग गई है, खुदावंद करेगा जो कसर निकल जाएगी। हालेलुया। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को वो पैगाम समझ में ना आया हो, बहुत सारी बातें ऐसी भी हों जो बर्दाश्त से बाहर हुई हों। ठीक है, तो जाहिरी गल है जो कोई आलम गल करेगा तो फिर वड्डी गल ही करेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें आप चाहते हैं आपको मिलें, ठीक है, हो सकता है आपको ना मिली हो और बहुतों को मिली भी, तो मैं खुदावंद का थैंक्स करता हूँ। और फिर मैं रात को जब प्रेयर कर रहा था, आप लोगों के लिए खुशखबरी है छोटी सी, जिन लोगों के काम कारोबार रुके हुए हैं वो आज़ाद हो जाएंगे आज। ठीक है, वो अगले संडे टेस्ट मनी लेकर आएंगे जब खुदावंद आपकी ज़िंदगी में ये काम करेगा। आप रिसीव करो और इस पर ईमान रखो। उन लोगों के जो खुदा के कलाम को रिसीव करते हैं, उन लोगों के लिए जो खुदा के भेदों पर काम करते हैं, जिस भेद पर या जिस मुकाशफे पर मैं आज बात करने के लिए तैयार हूँ, मुझे ये एक मोबाइल मिला है ओप्पो का, ये देखें इधर, ये किसी का फ़ोन गिर गया, ताड़ा कोई हाल नहीं, ठीक हो गया जी। देखें हमारे चर्च के लोग बड़े ईमानदार हैं, किसी की तीली भी डिगेगी तो इत्थे आएगी। आमीन, ये खुदा का शुक्र है। तो जैसे जैसे पब्लिक आती जाएगी वैसे वैसे ही हम आपको परेशान करते रहेंगे। आमीन, क्योंकि हमने आपको परेशान करते रहना है और आपने हमको। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। अगर आप आज इस कलाम को समझ जाते हैं, अगर आज आप इस कलाम को ले लेते हैं, अगर आज आप इस भेद को रिसीव कर लेते हो, अगर आज आप इसको लेकर जाओगे, आपकी ज़िंदगी के 50 नहीं 80% मसाइल ठीक हो जाएंगे। सिर्फ समझने से, रिसीव करने से, लेने से, क्योंकि हम सब जितने भी जमा हुए हैं दूरों नज़दीक से यहाँ पर आए हैं, ठीक है, हमारे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और वो माएँ जिनके पास बच्चे हैं, वो माएँ जिनके पास, ये भी एक मसला है, ये भी एक, क्योंकि अगर वो बच्चों को देखेंगी तो वो चर्च नहीं आ पाती। तो उनके लिए फिर एक और मसला है कि अगर चर्च में कोई उनसे कहे नहीं आ पा मुंडे तो चुप करा, या तो वो गिल्टी फील करती हैं या फिर वो बच्चे दे गुस्सा काट दिए ने, ये भी एक मसला है। मगर आप ऐसा नहीं करेंगे। आपका बेबी जब आपको तंग करता है, आप अकेले बैठे हो, आपके पास 4-5 बहनें हैं, तो आप अंदाज़ा करें वो एक बच्चे की वजह से 4-5 बहनें डिस्टर्ब होंगी। इसका मतलब अब हम क्या करें? इसका मतलब ये है आप खड़े हों, अपने बच्चे को उठाएं, पीछे ले जाएं, थोड़ी हवा में उसे ले जाएं, हो सकता है वो इरीटेट हो रहा माहौल से, आप खड़े होकर पीछे चले जाएं और उसे लोरी दें, उसे खड़े, ताकि आप भी कलाम सुन सकें। और आपके अब ये बात मुझे सुनाते हुए, ये बात मुझे टीच करते हुए 7 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कितने साल? 7 साल से ज़्यादा हो चुके मुझे ये बात कलीसियाओं में सिखाते हुए। पर खुदा दा मैं इन्ना शुक्र करना वहाँ हालात नहीं किसी समझ नहीं है। असल में जब हम बैठ जाते हैं हम अपनी इंसल्ट फील करते हैं। क्या फील करते हैं? लै हूँ मैं मुंडा चुक के पीछा आवा, वो फिर नाल दे जड़े ने फिर इंज इंज वेंदे ने गुस्से दे नाल, नहीं वो फिर डरते भी नहीं बोलते कि ले बाजी सट ना मार दे। बट जब तक खुदा हमें एक बड़ा सा हॉल नहीं दे देता, हम बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं बना लेते, तब तक आप लोग फेस करेंगे। आमीन। और बच्चे आपको तंग करें, फिर मेरा दिल कह रहा था मैं उस बहन से कहूँ अपने बच्चे को उठाएं और पीछे चले जाएं, फिर मैनू भी डर हूँ बेचारी के लिए नाराज़ ना, ये पादरी साहब ने सारे दे बेची कह छड़िया मैं, ये भी एक मसला है। तो आज जो मैं पैगाम सुनाना चाह रहा हूँ वो असल इन मसाइल पर है। जो मैसेज है, अगर आप इसको रिसीव करते हो आपके घरों के 80% मसाइल ठीक हो जाएंगे। रोमियो का ख़त निकालो जिनके पास बाइबल है, रोमियो चैप्टर नंबर 8 है, 8वां बाब,
और उसकी आयत नंबर 28 और 29-30। ये खुदा का कलाम जो है हमारी रहनुमाई तो है, हमारे मसाइल का हल भी है। खुदा आपको यहाँ पर सुनने के लिए भेज रहा है कि जाओ, जाकर सुन कराओ। हम चाहते हैं हम चर्च में जाएं, वहाँ पर प्रेयर हो और हमारा मसला हल हो जाए, हमारा मसला हल हो जाए और हम बाद में कैसे फलाने गिरजे गए उतने दुआ की थी तो ऐसी ठीक हो गए। ये मसले का हल नहीं, अगली बीमारी फिर रड़ी हो जाएगी आपके लिए, फिर आप नया चर्च ढूंढोगे, फिर आप नई टेस्टमनी ढूंढोगे, फिर आप नया पास्टर ढूंढोगे। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। मैं थोड़ा सा जहन या मेंटली तौर पर आपको इसलिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, रोमियो 8वें बाब की 28वीं 29वीं और 30 तीन आयात पर हम बात करेंगे। और कितनों को मैसेज याद है, पैगाम एवरीथिंग इज फॉर मी, सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ। 15 को गड्डियाँ खलोतियाँ हूँ तो की दिल करदा, सारिया दो चार कोठियाँ सोहनिया बनिया वेखिए तो की दिल करदा, ऐ मेरे लिए हूँ। किसी ने धी पुत्र का रिश्ता लभना हो, मुंडे का लभना हो तो सोहनी धी वे कहता काश है मेरे मुंडे की मंग बन जाओ। यानी दुनिया के उत्ते हर बंदा चंगी चीज़ वेख के तो यह गल सोचता पिया है मेरे लिए। ऐ कभी किसी ने वेख्या दुआ होंगी हो तो आखे यार आ दुआ अज मेरे लिए, वेख्या जो मैसेज है सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ आपके लिए है, सब कुछ मेरे लिए है। यही हमारा मैसेज है, यही हमारा आज का पैगाम है। और इसमें से आपने सीखना है कि मैं आज क्या लेकर जा रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि आपके 90% जो इसको ठीक रिसीव करेंगे हो सकता उन्होंने 100% मसले सॉल्व हो जाए, और जेडे घट रिसीव करेंगे उन्होंने 70, जेडे माड़े 50, जेडे उका ही नहीं 30, तो जेडे करेंगे नहीं वो इंज ही रहेंगे। ओ सदियां लंघ गई दुआवां करदियां ते करवांदियां, सदियां लंघ गई दुआवां करदियां ते किते किते मसले हल होए ने। कौन तंदुरुस्त हो गया वो हाथ उठा दे जरा, हेलो जी आ निकली जे रेशो दो जी, आ 500 जिया चो दो त्रै निकले जे तंदुरुस्त होए ने ते बाकियां नू होर भी बड़े मसले ने। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आए वर्स पढ़ते हैं। आपने आज सीखना है कि मेरे लिए क्या है, आपने आज सीखना है कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए कौन है, मेरे लिए कब है, मेरे लिए कैसा है। ये वो हिकमत की बात है जो बुजुर्ग पॉल ने अब रोम की कलीसिया को लिखा, और रोम की कलीसिया को जब उसने ये खत लिखा तो खत के अंदर वो क्या लिखते हैं, आए मैं इसको तलावत करता हूँ आपके लिए और अपने लिए इसको पढ़ता हूँ। और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफ़िक बुलाए गए, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पिलोठा ठहरे। जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया और उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा। खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए भाई से बरकत हो। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक। मैं रात भी कह दिया हाँ, मैं सारी उम्र आप मुबारक देंदे हाँ, साड़ी उम्र लंघ गई, मुंडे की मुबारक होए, गड्डी की मुबारक होए, कमेटी की मुबारक होए, सूट की मुबारक होए, तो सारिया मुबारक सड़ के तो सुवाह हो गई, सारिया मुबारक सड़ के तो असी क्यों ना रब के कलाम की मुबारक देिए जी सदा कायम रहनी, जी सदा कायम रहनी वो मुबारक देिए ताकि सदा कायम रहे। यहाँ इस आयत के अंदर अब ध्यान से सुनो, अगर कोई तुहानू लगे कि सज्जे खब्बे कुछ होंडे तो उन्होंने तुम बछा करक मार सकते हो, कि ध्यान ना गल सुन। और वैसे भी यहां बैठे हुए लोगों में से मुझे दूर से पता चल जाता है कि कौन बंदा है जो तवज्जो के साथ नहीं ही सुन रहा, कौन सा शख्स है जिसको नींद आ रही है, और जेड़े अक्सर सौ जाते भावे पहले ही खलो जान भावे। फिर सुनो, हमको मालूम है, पॉल कहते हैं हमको मालूम है, यह भेद उसको मालूम हुआ है, यह राज उसके इलम में आया है, यह राज उसके नॉलेज में आया है।
पॉल कहते हैं कि मुझको मालूम है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सब चीजें, कौन सी चीजें? वो कहता है सब चीजें आपके लिए अच्छाई पैदा करेंगी, सब चीजें आपके लिए भलाई पैदा करेंगी, सब चीजें आपको खुश करेंगी। ये कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? क्या लड़ाई मेरे लिए भलाई पैदा कर सकती है? क्या बदकारी मेरे लिए भलाई पैदा कर सकती है? क्या जनाकारी मेरे लिए भलाई पैदा कर सकती है? पर बाइबल की ये वर्स फिर क्यों लिखी गई? फिर क्यों खुदा का बंदा ये कहता है, पॉल कहता है कि सब चीज़ें मिल मिलाकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं? ये भेद पालूस को समझ में आया, ये खुदा के बंदा को समझ में आया, खुदा के ममसू को इस बात का इल्म हुआ कि सारियाँ चीज़ा जड़ियाँ ने साडे लिए भलाई पैदा कर दियाँ, सारियाँ चीज़ा साडे लई ने, सब कुछ हमारे लिए है, सब चीज़ें हमारे लिए हैं। और इंसान जो है ज़मीन पर अगर इस वर्ष को समझता है तो आज के बाद आपने अपने ड्रेसिंग पर जहाँ पर मर्द काम करते हैं वहाँ पर आपने लिख कर लगाना है सब कुछ मेरे लिए है, लिख कर लगाना है कि सब कुछ मेरे लिए है। अब कुछ लोग करेंगे और कुछ लोग तजर्बे के बाद लिखेंगे, कईयों ने लिखना लुखना है नहीं, और ठीक है यार डॉक्टर इन्हों को कहे शुगर का चार्ट लिखो, वेखो कापी पेन कोल रख के लिख दे अज कि 118 अज कि 102 लिख दे आके, नहीं डॉक्टर कहता हर 4 घंटे तो बाद तो मेडिसिन खानी है जी, बहुते लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं, इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी अवेल हूँ थां वेला फिर भी अगर नहीं पाया जाता। पता करो थलो ना एक साइकिल या मोटरसाइकिल लै जाओ, सारी गल उत्ते बिठाओगे फिर अगर लै आओगे जी, यान बाइक ले आए आप हैं हमको मालूम है कि सब चीजें, हमको मालूम है कि सब चीजें, हमको मालूम है। पालूस को इस भेद का इल्म है, पालूस ये भेद जानता है, वो कहता है सब चीजें, आप बोलो सब चीजें मेरे लिए भलाई पैदा करेंगी, लानत भी मेरे लिए भलाई पैदा करती है, शैतान भी मेरे लिए भलाई पैदा करता है। अब आपको सीखना है ये भेद, शैतान भी बहुत अच्छा है, आज तेरी तारीफ होंडी है मैं तंग ना करी, वो भी बहुत अच्छा है, उसकी वजह से हम रास्तबाज बन जाते हैं, उसकी वजह से हम रास्त बनते हैं, जब वो आपके सामने एक गुनहगार से गुनाह करवाता है और आप उसके गुनाहों को देखते हैं और खुदा उस आदमी को मारता है तो तुसी वेख के तौबा कर जाते हो, भाई खुदा को डर होता वह हाल वेख के सानू भी डर है, तो शैतान भी आपके लिए फायदेमंद है। आज का जो मैसेज है इसको समझना है, घर जाकर यह मत कही अज तो भाई साहब ने आख्या भाई शैतान भी थोड़े लिए चंगा, एक फैमिली ने मैं आख्या दुआ करो कर दे नहीं हनुदे उन्होंने घर जिन वड़ गया हूँ दुआ च उठते ही नहीं, मेहरबानी जिन की किदी पादरी की तो मनी नहीं जी, जिन की तो मन डेने के नहीं, और राती एक मेरा दो बेटा ही कजन भी सी दोस्त भी ही भाई भी उन्हें मैं रात रात उठ के दुआ करया कर तू ना प्रस्तिश करनी होंगी तू की करनी होंगी चर्चे तू वर्शिप करनी होंगी तू दुआ करया कर, उन्हें अच्छा भाई करा करता कुरदा को नहीं वह विह हो फिर वो बीवी से जिन आया और ठीक 3 बजे उन्होंने उठाती और 3 बजे जिन की हाजरी होंगी उठ के दुआ कर लग पा फिर मैं आता यार रोज 3 बजे हाजरी हो जाती मैं शुक्र है शुक्र है। सब अगर आप समझ जाओगे, मैंने पहले कहा था अगर आप समझ जाओगे लोगों के घर जिन आ रो ही लग पे भाई तुम रोंदते क्यों, ये जिन किसी काम ले आया। शैतान को खुदा मारता नहीं, वो आपकी भलाई के लिए रखा गया है, वो आपके लिए रखा गया क्योंकि आप खादम की नहीं मानते, आप खुदा यहां पर आगे लिखा हुआ है, मैं बाइबल में बता सकता हूं शागिर्दों को शैतान ने मारा, पालूस रसूल को भी शैतान ने मारा। तो मेरा सवाल असल में आपसे ये है जो मैं कर रहा हूं, आपको इस बात को आज रिसीव करना है, यहां पर लिखा है हमको मालूम है सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। आपने कभी रोजा नहीं रखा, आपके पास बीमारी आई और आपने रोजा रखना फायदा होया कि नहीं, बीमारी का फायदा होया कि नहीं, आज आपको समझ आनी चाहिए, तो जे ना आई तो मैं समझा के ही कलना है, ठीक है समझा के ही कलना है। अब फिर
फिर पढ़ता हूँ, हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, आपके लिए अच्छाई पैदा होगी। और आगे लिखा है वो लोग जो खुदा के इरादा के माफिक बुलाए गए, वो लोग जो आप खुदा के इरादे में हैं, आपको खुदा, आप देखें लोग चर्चों के अंदर नहीं बैठे, एसी वाले चर्च में नहीं बैठे, आप छतों पर आकर बैठ गए, आप गर्मी को फेस कर रहे हैं, आप सारा कुछ फेस कर रहे हैं, ये क्यों है, ये किस लिए है, कौन आपको यहाँ पर लेकर आया? कैमरे वाले कैमरा देखें, आप फुल हो गया ये छत, ठीक है, ये लोग खड़े हो गए हैं, फिर भी अभी लोगों ने आना है। मैं आपको बताना, सिखाना, समझाना ये चाहता हूँ, खुदा चाहता है कि जाओ और सुनो वहाँ पर जाकर कलाम, खुदा चाहता है कि हिकमत को सीखो, हिकमत इंसान की अकल खोलती है, फिर आप शैतान से कभी नहीं डरोगे, फिर आप बीमारी से कभी नहीं डरोगे, फिर आप कमजोरी से कभी नहीं डरोगे। अगर आज आप इस आयत को समझ लेते हो, अगर आज आप मेरी जिंदगी में बड़े बड़े सारे क्राइसिस आए, पर आज मुझे उन भेदों की, उन क्राइसिस की समझ आई, अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आते तो मैं आज यहां पर कभी खड़ा नहीं होता, क्योंकि सब कुछ किसके लिए है, सब कुछ मेरे लिए है। एक हस्बैंड को लड़ाकी बीवी मिल गई, वो किसके लिए है? तुसी परेशान ना वो मेरा ध्यान इधर है सर जी, तुहाडे लई है। ओदी लड़ाई ना बंदा एक्टिव रहिंदा है, सौंदा नहीं। कितनों को समझ आई? सर जी इसमें भेद है, तो लड़न वाली मैं वेखी भाई साहब ने आ जाएगा, मैं ताए तो लड़ दी हाँ, ये भी दुरुस्त नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं। किसी ने अड़ियल हसबैंड मिल गया, वो किसके लिए? और कितने मैं वेंदा सी ना रहना। सर जी ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, आप खुदा के इरादे में हो। अगर तुसी कहते हो असी बादशाही दे लोक हाँ, तुसी कहते हो असी यसू दे दीवाने हाँ, तुसी कहते जी असी यसू दे मनण वाले हाँ, तो फिर ये भी तुहाडे लई है, ये आपके लिए अड़ियल हसबेंड, लड़ाकी बीवी आपके लिए, अड़ियल हसबेंड आपके लिए है। दोवें एक दूजे का सिर खाते रहो, क्योंकि उंज तुहां सौना जी तुसी सौवोगे नहीं, एक्टिव रहोगे। रात तो इन्हें भी लड़ाई शुरू होगी, कादे तो इन मैं कही जुत्ती पर का शर्त की रही हूँ, राती 3 बजे भी लड़ाई की आवाज़ आती, हाले लुइया, ताकि उन्होंने आदत पवे राती उठ के दुआ करनी। आप खुदा के इरादे में हो या नहीं, मैं एक ही आयत तुम पता समझाना, बहुत ही आयत समझा ही नहीं, आप खुदा के इरादे में हो या नहीं, तुसी बादशाही दियां भेड़ा है जे कि नहीं है जे, तो जे बादशाही दियां भेड़ा वो तो फिर आयत अपने घर च लिख लो। और बहने जिस शीशे के सामने आप तैयार होते हो वहां पर लिख लो, सब कुछ मेरे लिए है, सब कुछ है। वक्त गुजर जाएगा, हालात जाते रहेंगे, पर ये बातें लोगों को याद आएंगी, बातें जब आप वहां पर लिख, अपने किचन के अंदर जहां आप खाना बनाते हो वहां पर लिख दो, सब कुछ है। आपसे खाना जला, इसलिए जला वो आप ही के लिए जला, ताकि आप उसे सीख जाओ, आप उसे सीख जाओ। अब जहां आप परेशान हैं, आप देखें जमीन पर घास कौन उगाता है, जमीन तक का कौन गाउंदा, घास जो होती कौन उगाता है? ये देखें बारिश पड़ गई और घास बहुत सारी जगहों पर पैदा हो चुकी है, बारिश कौन बरसाता है? खुदा। ये बादल किसने खड़े किए हैं? खुदा ने। हवाएं कौन चलाता है? खुदा। जमीन से फसल कौन उगाता है? खुदा। आप मुझे ये बताएं, सब काम खुदा करता है तो साढ़े काम कौन करेगा? खुदा ही करेगा। अगर सब काम खुदा करता है तो आपके काम कौन करेगा? आप अपने आप को बेईमान मत बनाए, हम बेईमानी की हालत में हैं, दो दो तरह की जिंदगी जी रहे हैं, दो दो हालतों में जिंदगी गुजार रहे हैं, कभी इस नगर कभी उस नगर, कभी सज्जे कभी खब्बे, कभी उथे कभी इथे, कभी ओ तल तो कभी। आप जब तक किसी जगह पर स्टिल खड़े नहीं होंगे, खुदा आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा, खुदा आपको कभी अनाइंट नहीं करता, खुदा आपकी जिंदगी में ऐसे हालात खुद पैदा करता है। सब चीजें मिल मिलाकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए क्या पैदा करती हैं? मेरी आंखें किसके लिए हैं?
आपकी आंखें किसके लिए हैं? अब भाई ताडे लई ने, वेंदा कौन प्या दे नाल? आप बोले ही भाई मेरी आंखा मेरे लिए ने। अच्छा मैं किसकी आंखों से देख रहा हूं? साथ वाले से कहे खास बात सुने, मैं किसकी आंखों से देख रहा हूं? तो फिर मेरी आंखा किदे लई ने? मेरे लिए। मेरे कान किसके लिए हैं? मेरे लिए। मेरी जुबान किसके लिए है? मेरे लिए। मेरे हाथ किसके लिए हैं? मेरे लिए। मेरी सारी बॉडी मेरे लिए है। किसके लिए है? मेरे लिए। सारा बदन मेरे लिए डिजाइन किया गया है। खुदा ने कान दिए ताकि तू सुन लें, आपको आंखें दी ताकि आप देख सको। तो ये सारा कुछ किसके लिए था? मेरे लिए। हम लोग परेशान होते हैं, आप मुझे बताएं आसमान किसके लिए है? क्योंकि तुम तो लोहे थले बैठे हो, तुम क्या दो टेंट थले बैठे। मैं सीखा, खुदा ने कहा मैं आसमान पागला तेरे लिए बनाया। मैं जब जमीन पर चल रहा था तो उसने कहा जमीन तेरे लिए दे है, वे तू ही तेरे टूरन दिया, तेरे लिए बनाई है ए जमीन, मैं तेरे लिए बनाई है। ए आसमान भी तेरे लिए है, ए सूरज भी तेरे लिए है। ए सूरज किधर ते चमकदा? तू ही सूरज नु कह सकते जे तेरी मेहरबानी अज मैनू बड़ी वट चढ़ी मेरे ते ना चमकी, तुसी कह सकते जे नहीं। सूरज ताडे लिए निकलता जमीन ते। तुसी मैनू दसो सूरज ने कोई अपनी फसल पकाउनी है? किन्ना दी पकाउंदा है? साड़ी। तो सूरज किसके लिए है? हमारे लिए। चांद किसके लिए चमकता है? चांद दियां फोटो ले ले के नीचे आप लिखते हो चांद जैसा चेहरा, हाला हुंदा नहीं, हुंदा नहीं। चन्न वर्गा चेहरा ओदा है जिन्ने चन्न बनाया है, जिन्ने चन्न बनाया है ओदा चन्न वर्गा। आप कभी गजल की किताब पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ है, गजल की किताब में लिखा हुआ है जीसस क्राइस्ट के बारे में कि उसका चेहरा आफ्ताब की मानित है। लिखा है उसका नूर आफ्ताब की मानित और उसकी जो चेहरे की रौनक है वो महताब की मानित है। तो ऐसी है। तो फिर आप देखें, फिर मैं उसी बात की तरफ आता हूँ। ये सूरज आपके लिए निकलता है जब तक आप जिंदा हो, यह जमीन आपके लिए खड़ी है, यह आसमान आपके लिए है, ये दरख्त आपके लिए है, ये कपड़े किसके लिए हैं? ये कपड़े किसके लिए हैं? मेरे लिए ये कपड़ा है। ये चर्च किसके लिए है? ये आपके लिए है। ये पादरी किसके लिए है? आपके लिए है। और पादरी के लिए क्या है? कलीसिया पादरी के लिए है। हम सब मिल मिलाकर एक दूसरे के लिए, किसके लिए? एक दूसरे के लिए। जमीन हमारे लिए बनाई खुदा ने, चांद सूरज सब कुछ तो हमारे लिए है। कौन सी चीज है जिससे आप फैजयाब नहीं होते? आप मुझे बताएं, हवा जब चलती है क्या आप उसे लुत्फानंदोज नहीं होते? आपको गुस्सा हो तो तुम वाह परा चल मेरे ते ना चली, मैंने अज बड़ा गुस्सा चढ़े, उन्हें बढ़ा के लाई जाना, उन्होंने कहा इड्डा ना मेरे अगे आकड़ तू। आप उनको रोक नहीं सकते क्योंकि वो हमारे लिए हैं। वो किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं। ये सारी कायनात का जर्रा जर्रा हमारे लिए बनाया गया है। ये मैं आपका माइंड तैयार कर रहा हूं, हाला मैं पैगाम वाले पास नहीं आया, ये मैं आपका जहन बना रहा हूं ताकि आपको समझ आए। सारे हालात आपके लिए। जब आप एक गाड़ी खरीदते हो तो आप गाड़ी कोई पूछता है कि दी है तो तुसी की कहें दे जे? की कहें दे जे? की कहें दे जे? कार जो तो ले लें दे जे, गड्डी मोटर बाइक जो भी आप लेते हैं, कोई तन पूछे कि दी है तो तुसी की आंदे हो? कि दी है तुहाडी कथों आई? वो तो लोहे दी है, लैलन दी है। ताडी उदों होई जदों तुसां दी कीमत दित्ती, ताडी उदों होई जदों तुसां उहदी कीमत दित्ती। यस्सू तुहानूं ऐवें नहीं आंदा तुसी मेरियां भेड़ां वो, तुसी यस्सू दे उदों होए जदों ने अपनी जान दे के तुहाडी कीमत दित्ती, अपनी जान दे के कीमत दित्ती, फिर तुसी उहदे होए जे, फिर तुसी उहदे हो गए क्योंकि उहने तुहाडी कीमत दित्ती। दुनिया च हर चीज़ तुहाडे लई है पर तुहानूं कीमत दे के अपनी बनाउणी पैंदी है। की दे के? रिज़क साडे लई है, गंदम हमारे लिए खेतों से उगती है पर आपको कीमत देनी पड़ती है गंदम के लिए। क्या देनी पड़ती है? फिर वो चीज़ आपकी होती है, फिर वो चीज़ आपकी होती है, बिना कीमत के नहीं। आप मुझे बताएं, एक लड़का लड़की को लेकर घर से भाग जाए दोबारा मैं ले जाऊँगा? तो जे पादरी नू 10,000 रुपया दे के फिर लैके जाए थे, अगर लड़का लड़की को लेकर भाग जाए दोबारा उस मोहल्ले में आएगा? कुड़ी दे परा दूर दूर तक आर्मी खिलार देंदे, जिथे नजर आए मार दियो, छड्डियो ना इहदा तीला भी,
कुड़ी भी मार दौ तो मुंडे ने भी मार दौ क्यों कीमत नहीं दे के गया की नहीं दे गया इंज ही जना नस गया तो जिन्हें पादरी नू 10,000 दिता है वह इंज खिलौंदा सर जी ने कीमत दिती है तद आकड़ा वो जिन्ना कीमत दिती होंदी जमीन ते सदा कायम रहिंदे ने जिन्ना कीमत दिती होंदी जमीन ते कायम रहिंदे ने सर जी कीमत देनी पड़ती है जिंदगी में तो लाड़ा जिहड़ा वे कीमत और तुहाडे व्याह दी कीमत तो निकाह दी फीस होंदी उहदे तो ना लड़िया करो वेखो मैं निकाहवां तो वैसे ही बड़ा परहेज़ करना मैनूं कोले पढ़ाना पैंदा मैं पढ़ा छड्डना पर मैनूं कोई शौक नहीं ना जनाजे कराउण दा ना मैं निकाह कराउणा ठीक है फ्यूचर च बच्चे काम करनगे मुझे कोई शौक नहीं है इनका पर निकाह की फीस से लड़ाई ना पाया करो 10 to 15,000 ते ढोलीए तो 15 to 20,000 खुसरे लै जाते हैं पादरी उन्होंने भी भैड़ा सच दस्यो निकाह की फीस से ना लड़िया करो मैं वेख्या मीट वेखो तुम हूँ कहोगे पास्टर साहब तो अपनी बात कर रहे हैं मैं बाइबल क्लास में बच्चों को ये सिखा तो मैं निकाह करता ही नहीं हूँ करण तो मुराद मुझे इस कामों के लिए खुदा ने बुलाया नहीं है ज़रूरत पड़े मैं कर देता हूँ जनाजे की ज़रूरत पड़े मैं कर देता हूँ पर मैं इन कामों के लिए बुलाया नहीं गया खुदा ने मुझे ये खिदमत दी नहीं पर फिर भी कलीसिया कितने नाराज़ होती है वो करे साडा निकाह तो मैं कर देता हूँ ठीक है आप समझ रहे मेरी बात को पर मैं बताना चाहता हूँ कोई किसी चर्च में आप कैथोलिक चर्च में हो प्रेस्बिटेरियन चर्च में हो पेंटिकॉस्टल चर्च में हो निकाह की फीस से लड़ाई ना करया करो ए जिनी मंगण दे छड़िया करो ताडे निकाह की वो कीमत है ताडे रिश्ते की वो की है तो तुसी अपनी कीमत इयो ही तो कीमत है बाकी तो सारा जंजाल पूरा होंदा उसमें पूरी शादी में कीमत है तो मैं बता रहा था सब चीज़ें आपके लिए हैं सब चीज़ें किसके लिए हैं सब चीज़ें किसके लिए हैं मेरे लिए हैं मेरे पाँव भी मेरे लिए हैं खुदा ने मुझे पाँव बना कर दिए मेरे हाथ मुझे दिए हैं मेरी सांसें मुझे दी हैं मेरी सांसें मेरे लिए हैं अब मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आप इस भेद को समझ जाओ कि सब कुछ अगर आपके लिए है बारिश जब पड़ती है तो आप खुद कहते हैं शुक्र है आज बदल पै गया आज बारिश हुई आप रिलैक्स होते हो वो बारिश आपके लिए पड़ी है बेशक सारी दुनिया उस बारिश में नहाए पर इस वक्त वो आपके लिए है आपको अच्छी चीजें तो आप कहते हैं मेरे लिए जो तो ठंडिया वावा चलन ते ही शुक्र है तो गर्म कि चल दिया ने गर्म पर चला छोड़ो वो भी आपके लिए है वो भी सर जी मैं तुम दसा जे तुम सीख लो तो तुम जिंदगी कभी ब्लड प्रेशर नहीं आना जो ता मुंडा कार से बह के 100 की स्पीड से जाता तुम वेख्या कि सोहनी गड्डी चला तो जिदन वह एक्सीडेंट हो सर जी वह भी तुहाडे लई होया है हुण इहनूं कहो घट स्पीड ते चलाए करे वह ना हुंदा तुहां कित्थे समझाणा जी उहनूं कितनों को समझ आ रही आप अच्छी चीज़ों को कहते हैं मेरे लिए पर बुरी चीज़ों को कहते हैं नहीं 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 चर्च में सब खाना खा रहे थे एक संडे आप आए आपकी प्लेट में चिकन कसरत से आया और आपने जी भर कर खाया कहा आज मज़ा आ गया आज चर्च में खाने का मज़ा और खुदा ने देख लिया आपको नेक्स्ट फिर जब खाने का टाइम आया खुदा ने ऐसे हालात पैदा किए कि आपके पास जो प्लेट खाने की है उसमें कोई चिकन नहीं था उदो तुसा क्यों ना खाया मेरे लिए उदो है वे आए ना आज सादे पकवाए ने पादरी साहब है वे और बेचारा वर्तावा भी डरदा ही रहता प्लेट ये बोले मेरे लिए आप जीत जाओगे कभी शैतान आपको नहीं मारेगा वो कहना इन्होंने जो आते हैं साढ़े लिए साढ़े लिए जब आपको एक उस्ताद बड़ा प्यार करता है आप कहते साडा उस्ताद बल्ले बल्ले तो जितन मारे कहो मार भी मेरे लिए बोलो सर जी मापिया का प्यार भी साढ़े लिए तो मापिया की मार भी साढ़े लिए हाले लुईया जे उन्हों का प्यार ताडे लिए होंगे तो उन्हों की मार भी ताडे लिए होंगी आप बोलो कि सब कुछ मेरे लिए आप आसान हो जाओगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी खुदा सारे हालात आपके लिए पैदा करता है पर पाप आपके लिए नहीं है पाप आपके लिए नहीं था गाने ताडे लई नहीं हन शैतान ताडे लई नहीं ही आपने उसको भी अपने साथ रख लिया आप एक इंसान थे और इंसान खुदा के लिए था मैं फिर बताता हूँ एक ही वर्ष को पढ़ रहा हूँ बार बार सब चीज़ें मिल मिलाकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए
एक आदमी को मैंने देखा, उसकी बीवी के अंदर स्पिरिट्स हाजिर होती थी। वो बड़ा शियार ते एडा चलाक, बुढ़ी च बदरूमा हाजिर हो जाने फिर भी झूठ बोली आउंदा। मैं क्या खुदावां दा किड्डा ढीठ बंदा है, इहदी बेगम फाहे लगी है पर इहदी आदत नहीं सिद्धी होण दी। खुदा ने मैनूं कहा तू खलो जा, वे तू ऐ सीधा हुंदा कि नहीं। वो दुआ करा के गया घर, रात नूं एक वजे बीवी आ, बीवी च बदरूआं आ गई। मैनू फोन किया सर जी फिर आ गई जी। मैं आख्या हुण सर जी नहीं आ सकते, हुण तू लड़, तू दुआ कर। उदन का दुआ करन लग पिया, सीधा आउण लग पिया। वो बदरूहें किसके लिए थी? बोलो मेरे लिए थी, मेरे लिए थी। आप इस भेद को समझ जाएंगे, शैतान तुहाडे घर दीआं कंधां नूं टक्करा मार के टुर जाऊगा। खुदा तुहानूं बुरे लोकां च इस लई जाण दिंदा है ताकि एक दिन तुहानूं सच्चियां च कले। खुदा तुहानूं बुरियां लोकां च इस लई जाण दिंदा है ताकि एक दिन तुहानूं सच्चियां च कले। खुदा तुहानूं बुरे चर्च च इस लई जाण दिंदा है ताकि एक दिन तुहानूं सच्चे चर्च च कले। खुदा तुहानूं भैड़ियां सोबतां च इस लई जाण दिंदा है कि एक दिन तू चंगी सोबत च जाए। पर साडा रफड़े वे असी दोवें ही पासे रख लैने आ, सज्जा पासा भी ते खब्बा पासा भी। असी जड़े दो राहां ते चले जे, खुदा तुहानू जान बुझ के इंज करदा। अगर आप सीख जाएंगे तो आप कभी परेशान नहीं होंगे। आपको खुदा ने झूठ में इसलिए रखा ताकि आपको एक दिन सच में ले जाए। जिन्ने 2 लीटर खालस मिल्क पीता है उन्हें ही पता लगता है ना 2 नंबर केड़ा है। जिन्ने 2 नंबर ही पीता है फिर उन्हें एक से दम खालस दो तो आखेगा दुध कुछ फर्क है, ऐ दुध कुछ फिर उन्होंने नाल दे दस देने उन्होंने नहीं पता लगता क्योंकि उन्हें सारी उम्र वो पानी वाला मिल्क पीता है, उन्होंने नहीं पता चलता। उन्होंने नाल दे दस देने फिर दूजे उदी हेल्प कर देने, दूजे उदी हेल्प कर देने। ऐ ही असल दुध चेक कर, ऐवे उंगली दे नाल दुध लगा, ऐवे दूध को चेक करने का मैं बता देता हूँ। लोग उंगली डिबोते हैं और आपके हाथ पर अगर मिल्क खड़ा रह जाए तो वो मिल्क जो है वो नेचुरल है। तो वैसे जिते तुम रहन दे इतने उन्हें 2 नंबर नु भी नेचुरल बना लिया, इतने कोई पछाण नहीं रह गई हूँ। इतने इतने तुहानू यसू तो अलावा हूँ कोई नहीं बचा सकता क्योंकि आटा अन्न करीब होर महंगे आन डे ने, पेट्रोल महंगा आन डेया। तो तुम कौन बचाएगा सानू, कौन बचाएगा? दिल कर यसू यसू। सर जी आपके लिए सारा कुछ हो रहा है, ये महंगाई मेरे लिए हो रही है। हम इन दिनों में मैं खुदावां दा की हो रहा है ना, सारा कुछ तुहाडे लिए होण डिया। महंगाई हमारे लिए हो रही है ताकि हम और खुदा के करीब जाएं। और आप प्रेयर करो, आप और खुदा के करीब जाओ, आप पर और ज्यादा टेंशन आए, आप और ज्यादा प्रेयर करो। बहुत सारे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मैंने एक बहुत सारे लोगों को देखा, अब वो रोजे रखते हैं, अब वो फास्टिंग करते हैं। मैंने कहा इससे पहले कि जमीन पर काल आए, क्योंकि ऐसा होने वाला है, काल आने वाला है। जीसस क्राइस्ट ने कहा था जगह जगह काल पड़ेंगे। जब काल पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? उस वक्त आप रोएंगे क्योंकि आज अच्छा टाइम कहते हैं मेरे लिए। खुदा का शुक्र है पड़ोले च दाने ने, बैंक च पैसे ने, खुदावंद का शुक्र है। सर जी बैंकों च पैसे भी होने ने पर बाहरों रोटी खाने नू नहीं लभनी। जब आप फास्टिंग करोगे आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि जीसस कह कर गए थे जब ऐसे हालात पैदा होंगे, आपको पहले ही आदत है भूखा रहने की, आप पहले से फास्टिंग करना जानते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है खुश्क साली में, जब जमीन पर खुश्क साली होगी, अनाज नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, मैं तुझे शेर करूँगा, मैं तुझे शेर करूंगा। पर आप तैयार ही नहीं हुए, आप इन बातों के लिए तैयार नहीं हुए, आप इन बातों के लिए रेडी ना हुए, आपने कलाम की इन बातों को फोकस नहीं किया। और ठीक है वेखी जाएगी। गरीबी हम पर इसलिए नहीं आती कि गरीबी हमारे साथ चलेगी, वो इसलिए आई थी कि आप उसको सीख लो और जब खुदा आपको अमीरी में लेकर जाए तो आप इंसान बने रहो, आप इंसान बने रहो। सब कुछ हमारे लिए होता है जमीन पर, सब कुछ हम पर हमारे लिए आता है। आपकी जिंदगी में बीमारी आपके लिए आई है, किसके लिए आई है? वो आपके लिए आई है। और जब आप तंदुरुस्त होते हैं तंदुरुस्ती भी आपके लिए है। हुण भरावां नूं अग्गे करवाउणा पैणा दुखां दे वे। मैंने कहा था अगर किसी को याद हो, ये देखें, ये एक टाइम आएगा जब आप हजारों लोग यहां पर देखोगे,
हजारों लोग आप देखोगे, लेकिन आप वो लोग हो जो इब्तदाई लोग हो, आप वो लोग हो जो शुरुआत में यहां पर आए हो, आप वो लोग हो जो पहले फल हो इस चर्च के। आपको मैं कहता हूं, आप कोई ब्लेसिंग मिस मत करो। आपको 2 साल के बाद आपको फिर यहां पर आना पड़ेगा, 1 साल के बाद आपको फिर यहां पर आना पड़ेगा, और वही पर्चा पढ़ना पड़ेगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूं। आपको वही करना पड़ेगा जो हम आज लोगों से कह रहे हैं करें। आने वाले टाइम के लिए अपने आप को तैयार करो, क्योंकि आने वाला वक्त, आज अच्छा टाइम आपके लिए है तो बुरा टाइम भी आप ही के लिए होगा, वो भी आप पर ही आएगा। खुदा किस हिकमत में, खुदा हमें क्यों सिखाता है? जब मैं देखता हूं, मैं एक पादरी हूं, जब हमें लोग स्टेजों पर हार पहनाते हैं तो हम लोगों को यह कहते हैं, खुदा दा शुक्र है, खुदा ने बहुत इज्जत दे दी। एक दिन मेरी, मैं रात को प्रेयर कर, न्यू ईयर पर मैंने कलाम सुनाना था, साथ वाले से कहे पादरी साहब दी बिस्ती सुनो। मैं न्यू ईयर के नाइट, मैंने एक जगह पर एक गांव में कलाम सुनाने जाना था। उससे पहले क्रिसमस पर बहुत सारी इबादतों में हमें हार पड़े थे, और न्यू ईयर की इबादत पर मैं पूरी रात जागता रहा, और मैंने एक चर्च में, मुझे इन्वाइट किया गया कलाम की खिदमत के लिए कि आप यहां पर आए और कलाम सुनाएं। और क्रिसमस से पहले बहुत सारी बातों में हमें हार पहनाए गए, हमारा वेलकम किया गया, लोगों ने क्रिसमस के प्रोग्राम किए, बड़ी इज्जत मिली हमें। न्यू ईयर की नाइट सारी रात मैं सोया नहीं, और खुदा से कलाम मांगा, फिर मैं अर्ली मॉर्निंग शावर लिया, फ्रेश हुआ, बड़ी धुंध थी सर्दियों के दिन, लड़के को मैंने कहा बाइक निकालो, हम बाइक पर गए, सर पर पानी, हाथ तानु पता ठंड ना ठहर जाए देने, जाकर वहाँ पर उतरे, उन्होंने वो हाथ से बनाई हुई सेवइयाँ खिलाई, उन्हें कहा पादरी साहब इतने बह अंगीठी अगे तुम ठहर गए हो, मैं ख्याल लै खुदावंदा तेरा शुक्र है, पोटे वाली सेवियाँ उत्ते देसी घ्यो चीनी पा के, बड़ी इज्जत आले लुइया नाल उन्होंने फ्राई करके, इन्नी इज्जत। फिर उन्होंने कहा भाई साहब 9 बज गए चले चर्च गया, चर्च मैंने पैगाम के लिए खड़ा हुआ, जब कलाम 5 मिनट कलाम सुनाया, चर्च से खड़े होकर बंदे ने कहा पादरी साहब को गल तरीके की भी कर लो, तुम सवेरे सवेरे और कितों उठ के आ गए हो। सर जी मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो सारी इज्जत मेरी लथ गई, वो सवइयां मैनू भुल गई। खुदा ने आख्या, मैं बाहर आके बड़ा गुस्सो गुस्सी होया, मैं शर्म नहीं आती इन्होंने लोगों जिया के बेच ही। फिर उस बाद मेरे को कलाम कलूम को नहीं सुनाया गया, मैं फिर टोटल पूरा किया, फटाफट सुना के थले उतरिया, क्योंकि जिन्नी को मेरी उन्हें कर छड़ी है, मैं बस भाई हूँ ना कलाम सुनाया गया। न्यू ईयर के दिन पहले दिन बिस्ती तो उदू पहला घ्यो वाली सेवियां पराठा नाश्ता टायर सुबह सुबह हले लिया। फिर उठिया बब्बर शेर चर्च जा खलोता है, सिर्फ 5 मिनट कलाम सुनाया, बंदा खलो के उन्हें राती पीती ही, पीती सुता तो सुता उठ के गिर जे आ गया। और मैं ना गल सुना डेहा प्लेटा तो भांड्या की, किसी दिन मैं चर्च च सुनावगा भांड्या तो कलाम, डोई की होंगी है, देजका की होंगे, किसी दिन हम शेयर करेंगे। तो मैंने कहा देखें पुरानिया प्यालिया टुट गई ने हूँ असी नवे, वो मैं आता की प्यालिया तो भांडे ला हड़े ने, तू तो भांडे बेचना है। मेरी यानी इन्नी को उन्हें मेरी बिस्ती की थी कलीसिया दे खलो के, उस बाद मेरे को कलाम सुनाया, पाकरू तो टुर गया ना, जब मैं जो रंजीदा हो गया तो पाकरू आता हूँ तू गुस्सा कर गया, मैं तो फिर चल समझ नहीं, आपको बता रहा हूँ, आप इन बातों को सीखते नहीं है जिंदगी में, पर आप सीखिया आप, मैं गुस्सा गिला करके बंदे ने मैं चवल जाए ढीट जे अकल मौत है नहीं तुहानू गिर जे आ, ये बातें क्या कर, मैं घर आया रात को प्रेयर कर, खुदा ने मैनू कहा चार्ल साहब बेटा सवेरे पोटे वाली सेवियां याद नहीं, वो क्रिसमस ते पे हार याद नहीं, अज दी पुत्र बिस्ती भी तेरे लिए, जे सारी इज्जत तेरे लिए है तो बिस्ती भी तेरे लिए, बिस्ती भी हूँ। मैं थले चला, चरनी किदे लई सी, चरनी किसी का बच्चा पैदा है उन्होंने चरनी च धर दौ, लोग उन्होंने की आँदे यतीम है, इनू हाय हाय कितने धरण का थान नहीं लभा, हाय हाय यतीमां दा बाल, हाय हाय नहीं इनू उत्थे, हाय हाय नहीं इनू उत्थे, हाय 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 हाय। आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, आप बर्दाश्त कर सकते हो किसी का पुत पैदा हो तो उन्होंने चरनी च धर दौ, बर्दाश्त कर लोगे खुरली च, हाय हाय दा कोई नहीं वाली वारस।
जिदा वाली वारस रबे उन्हें आख्या खुरली मेरे लिए खुरली उन्हें आख्या जे आसमान तो उन्हें आख्या खुरली तेरे लिए शहजादिया तू अर्शां दा शहजादा पर थले खुरली तेरे लिए उन्हें आख्या ठीक है खुरली मेरे लिए जाके अपनी माँ के घर रहन लग पे उन्हें आख्या लकड़ियां नू किल लाने करने नहीं कारपेंटर का काम तेरे लिए दुनिया की मजदूरी यसू तेरे लिए उन्हें कहा ठीक है उन्हें कहा मापे तेरे लिए ने गली महला तेरे लिए ठीक है उन्हें कहा जी ठीक है मेरे लिए एक दिन वो जिंदगी उन्हें कहा मापे छड भैन भरा छड ये भी यसू ले ही उन्हें कहा हम पहाड़ ते रही करी ये भी वो दुख किदे लई ने यसू ने कहा मेरे लिए ने भुख किदे लई है उन्हें कहा वो कपड़े ला दिते वह किदे लई ने यसू ने कहा दुख मेरे लिए भुख मेरे लिए सारी जिंदगी च मैनू एक गल दसो केड़ी खुशी यसू नू मिली है कोई दसे जी ऐ खुशी यसू नू मिली हाथ खड़ा कर कर दे जीसस को सारी लाइफ में कभी को खुशी मिली हो तो सर जी उन्हें सारे दुखां नू सारियां मुसीबतां नू मौत नू कबर नू उन्हें कहा सब कुछ मेरे लिए ते मेरे ते आउण दिओ बाप ने कहा बंदा मेरी गल नू समझ गया इन्हें कहा सारा कुछ मेरे लिए उन्हें कहा जे सारा कुछ ये फेस कर सकता है बेइज्जती भी इहदे लई है पत्थर इहदे लई ने मौत इहदे लई कोड़े इहदे लई कंडे इहदे लई कबर इहदे लई है सारा कुछ इहदे लई है ते अज तो बाद ये दुनिया की बादशाही भी इहदे लई है दुनिया की बादशाही भी इहदे लई है जदों तुसीं ये तैयार हो जाओगे कि जिंदगी च हर हालात मेरे लई ने ते फिर खुदा तुहानू दसेगा जदों तुसी कहिंदे ना हाय 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 मुसीबत हाय 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 कितनों को समझ आ रही है नाल दे ने पुछो अज दी गल दा की वंड पे पांदे ने पादरी साहब इंज जिवें कार च नहीं बैठदा मंजी दे उत्ते की अज दी गल दी वंड है जिन्हों समझ आई इस गल दी वंड है वह अज गल लिख लवे उहदी जिंदगी च यसू पाएगा घिओ ते खंड हालेलुया अगर आप रिसीव कर लो सब कुछ आपके लिए जदों ताडे बैंक लखां ना भरे हुंदे ने उदों गिरजे देग लै के जांदे हो शुक्रगुजारी है ते जिद्दण भर जाण उद्दण वी इंज आओ जे भरे बैंक मेरे लई ने ते अज खाली बैंक भी मेरे लई है खाली बैंक भी मेरे लई है बोलो क्रोध ले रही बोलो मेरे लिए बच्चे एक बच्चा पैदा होता है और वो तंग नहीं करता माँ को बचपन से ही तंग नहीं करता और माँ गवाहियां देंदी इन्हें मैनू कभी तंग नहीं किया इन्हें मैनू कभी बचपन तो ही बड़ा सुलझा जिते धरो उत्थे सुता रहिंदा ये मैनू तंग नहीं करता रोटी टाइम उठता रोटी खाता फिर सौ जाता माँ बड़ी खुश होंदी है फिर दूजा बच्चा आया तो उन्हें माँ नू रवा दिता तो आंदी है मेरे लिए नहीं सर जी जे पिछला ताडे लई है ते वी तुहाडे लई है कितनों को समझ आई रूत ने फेस किया उन्हें विह किया हसबेंड मर गया वह सहुरा मर गया वह जेठ उन्होंने आते ने जेठ मर गया उन्हें अपनी सस नू कहा कोई गल नहीं खैर सारे मर गए ने उन्हें दुख वे उन्हें कहा मेरे लिए नहीं आन दौ आन दो जो जो कुछ आता है मेरे लिए खुदा ने उन्हें बादशाही दी रूत नू बादशाही दी तुसी दुखां तो डरते जे तुसी दुखां तो तुसी मुसीबतां तो डरते जे खुदा नू नहीं पता कि जेडे घर इनू घलन डे उत्थे देना की बननियां ने घरां वालियां भैणां भी याद रखन अगर तुसी अपनी भाभी नाल चंगा सलूक नहीं करन डे नहीं करन डे ये भी तुहाडे लई तुसी ना करो क्योंकि खुदा ने दसना पिया अगो तेरे नाल भी इंजी होनी काका तैयारी कर कितनों को समझ आ रही ये जिंदगी है ये भेद है ये गली मोहल्ला शहर मुल्क इलाके बादशाहियां रुपया पैसा धन दौलत माही सब कुछ खत्म हो जाता है इस धरती के अंदर क्या रहता है जिंदा मुझे आप ये बताएं इस दुनिया में क्या जिंदा रहता है कौन सी चीज जिंदा रहती है ये मिट्टी का बदन है जो हमें दिया गया ये भी मर जाता है दौलत भी मर जाती है हवा पहाड़ सब कुछ ये जहान सब कुछ मेरा बाप था मुझे उससे बड़ा प्यार था वो मर गया फिर मैं एक दिन रो रहा बड़ा दुखी तो खुदा मुझे एक बात सिखा रहा तेरा अब्बा मर गया उन्हें क्या ओदा अब्बा मैं हाँ भी मर गया उसका बाप भी मर गया फिर मैंने सोचा उसका बाप भी मर गया फिर मैंने सोचा उसका बाप भी मर गया फिर मैंने और सोचा फिर मैंने सोचा उसका बाप भी मर गया फिर मैंने और सोचा फिर पीछे गया उसका बाप भी मर गया फिर मैंने और सोचा उसका बाप भी मर गया फिर मैंने और सोचा उसका बाप भी मर गया फिर मैं और पीछे गया उसका बाप भी मर गया
उसने कहा वो आपके लिए था, वो आपका बाप था, इसलिए सब मरते जा रहे। फिर मैं आदम पर गया, वो भी मर गया। उसने कहा ये सब बाप आपके लिए थे और इसलिए मर गए हैं। मैं पूरी दुनिया का बाप हूं इसलिए आज तक जिंदा हूं। इसलिए आज तक जिंदा हूं। आप कभी भी अपनी जिंदगी में यह मत सोचो, यीशु मसीह को जमीन पर अपने लिए नहीं भेजा गया। आप मुझे बताएं, अब आप सीधी अब इस तरफ आए, यीशु की मौत किसके लिए थी? सही सब ने बताना, यीशु की मौत किसके लिए है? यीशु की बेइज्जती किसके लिए? यीशु की इज्जत किसके लिए है? यीशु के कंडियां का ताज किसके लिए ही? यीशु के दुख किसके लिए ने? जेड़े लोग जेड़े भैन भाई इस गल नूं समझ जाते ने वो कदी नहीं लड़ते। यीशु की शिफा किसके लिए ही? हुण कह मेरे लिए। यीशु की बरकत किसके लिए? यीशु का जलाल किसके लिए? यीशु की माफ़ी किसके लिए? यीशु की बरकत किसके लिए? यीशु की मौत किसके लिए? यीशु की जिंदगी किसके लिए? यीशु के अथरू किसके लिए ने? यीशु की रूह किसके लिए? यीशु की जान किसके लिए? यीशु की सूली किसके लिए? यीशु की मौत किसके लिए? यीशु दियां सावां किसके लिए ने? जे सारा कुछ तुहाडे लिए तो यीशु का बपतिस्मा किसके लिए? बोलो, कौन बोलूगा? वो कहते ने मैं नहीं हूं लैना। सर जी, यीशु की शिफा ताडे लई, यीशु की जिंदगी ताडे लई, यीशु की मौत ताडे लई, यीशु की बरकत ताडे लई, यीशु का कलाम ताडे लई, यीशु दियां सांवां ताडे लई, यीशु की रूह ताडे लई, यीशु के कदम ताडे लई, यीशु के हाथ ताडे लई, उहदा फेफड़े गुरदे उहदी जिस्म जान ताडे लई है, उहदा बपतिस्मा भी ताडे लई है। जे उहदा बपतिस्मा ताडे लई है, इह भी तुसीं लैणा, ये भी तुसी लेना है और इनू लै के रहना है। कहना जे ओदियां सावां मेरे लिए, तुहानू सावां हुण पता किते च मिलदियां ने पईआं? जेड़े डाजना डॉक्टर ने, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उत्थे खुदा दे खादम खलो के आंदे ने यीशु दे नां ते सावां बहाल हो जाण। वो भैड़े हो, यीशु दियां सावां चों सावां जांदियां ने। किदियां सावां चों? जदों खादम दुआ करदे ने, यीशु ने अपनी जान ते दुख सहा, उहदे बदन की शिफा तुहाडे विच जांदी है, तुसीं शिफा पांदे हो। यीशु दी जिंदगी च जदों तुहाडे ते दुख आंदे ने, जदों तुहाडे ते भुख आंदी है, तो एक गल जिंदगी याद रखो कि जिंदगी की बादशाही भी तुहाडे लई होएगी, पर रास्ते की राह पर आपको चलना है। ये बाइबल किसके लिए? बाइबल किसके लिए? चर्च में जो कलाम सुनाया जा रहा है वो किसके लिए? किसके लिए? शैतान तुहानू पुठे पानी चाड़दा है। शैतान तुहानू केड़े पानी चाड़दा है? खासकर घर दियां नूहां नूं मिलो, तुसीं कभी भी सहुरियां की तारीफ नहीं कर सकती, सही आंदियां ने, भी होंगे उन्होंने भी चंगी ने, वह भी ठीक आदि ने। पर मैं बता, खुदा नू पता है सारा, फिर ये मकांदा क्यों नहीं रौला? मकांदा क्यों नहीं रौला? मैनू दसो, तो मकांदे तुसी भी है नहीं मकांदे? सर जी, अपने घर च रूल बनाओ, अपने घर च रूल बनाओ, तो अपने घर नू यीशु दा स्कूल बनाओ, अपने घर नू यीशु दा स्कूल बनाओ। सारे पढ़नगे तो अगे वधनगे। असा अपने घर नू टीवी दा स्कूल बनाया, सारे टीवी अगे बह गए नागन, तो सारे डंगा नहीं तो डे हो घर च नागन वेख वेख के, नहीं मारते एक दूजे नू डंग? तो सर जी, डंग ही तो मार, तो वेंदे ही तुसीं डंग, होर तुसीं की वेंदे हो? फिर कहिंदे इहदे नाल की हुंदा? सारा टब्बर उजड़ गया, लाए नाल की हुंदा? होर तुसीं की कराना? होर बंदे मरवाने जे फिर असर होगा। मैनू एक बंदा आंदा, सर तुसीं टीवी दे बड़े खिलाफ हो। मैं मैनू पता है इस फोन दे विचों दुआ कराई असर करदी है। भाई साहब, तुसीं उदन फोन ते दुआ की थी, जदों तुसां दुआ की थी तो मैं ठीक हो गया। इस फोन दे विचों दुआ जांदी है तो टीवी चों बुला भी आउंदी है, नहीं ना आउंदी? टीवी चो की हुंदा? थानू तो अगे ही कुछ नहीं हुंदा, तो सारा घर चैक करो, सारियां नू कुछ ना कुछ हो गया। सीखो, सारे दुख मेरे लिए ने। यीशु उत्थे कहिंदा, खुदावन सारी सूली ठीक है, तो कंडियां दा ताज नहीं मैं पाणा, इहनू मैं सैर ते कर दूंगा, इहनू सैर ते कर दूंगा। जिन्ने बहुते दुख चरोगे, जिन्नियां बहुतियां रोटियां घर च पकाओगे, एक दिन तुहाडी जिंदगी च टाइम आऊगा, यीशु तुहानू नौकर देगा, तुहाडी रोटी उह पकाणगे, तुसीं नहीं पकाओगे। जिंदगी सिख लो, जरा जिन्हें दुख
होगा ओना प्लस हों जाऊगा। पर यसू के नाल रह के कि कुछ लोग शैतान मैं फोन लिया बिजनेस करने कि दो चार मेला पाता बाद फिर किसी ही मेलदा रही है। हालेलुया। ये किसके लिए था? जो पास्टर आता ना प्लस हो जाओगे इतना भी ताड़ियां तो जो बिजियां ये भी साढ़े लिए ये भी हो सकता है ना। गवार कलाम हो कैसा कलाम हो कबूलियत में ना आता हो ऐसा पैगाम जो आप कबूल कर लेते हो आप सुनते हो फ्रेश हो जाते हो मजा आ गया आज दे पैगाम का जेड़े पैगाम का मजा नहीं आया वो किदे लई आपके लिए। खुदा इसी तरह से जमीन पर हमें सिखाता है दर्द दुख खुदा देखे मैं फिर बता रहा हूं धूप निकलती है और तुसी जाने बाहर नहीं करते हाँ है धुप तो पिंडा सा गया है क्यों आ पर सूरज खुदा नु पता है सब कुछ ताडे लई है सब कुछ मेरे लिए अगर तहां तुसानू तुहाडे लई इज्जत है तुहाडे लई बेइज्जती भी है तुहाडे लई रिज़क है ते तुहाडे लई भुख भी है। असी चाहते हाँ सानू दुनिया च पता केड़ी केड़ी चीज चंगी लगती है नाल दे नू पुछो केड़ी केड़ी और किसी ने पूछो तेन पैसे चंगे लगते भाई साहब यार पूछने वाली गल पैसे किन भैड़े लगते दियो 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 भैड़े नहीं ना लगते किसी ने कहा सर आइए कार आपको गिफ्ट दे रहा हूँ जिंदगी अज तक मैं कार लई दुआ नहीं की अज तक मैं कह नहीं यसू मैं कार दे मैं कार ते जावां। एक भाई ने अज सुबह एक काम होया मैं चाहना मैं शेयर कर दिया एक भाई इत्थे खलोता उन्हें एक दिन मैं ख्वाब दसिया सर जी बुआ जी तो बच्चियां नू मैं वेख्या तुसीं वाइट कार च जाण दे अज मेरे घर दे बुए दे कोल वाइट कार ही आई और जो मैं उस बैठा तो खुदा ने मैनू याद कराया वेख लै भावें कार तेरी नहीं पर मैं वो ख्वाब पूरा किया वाइट कार च तेनू खड़न दिया। आप समझते नहीं है खुदा की बातों को। खुदा ता दे सारा कुछ ताडे लई है सर जी जिन्हें अपना एड्डा सोहना पुत्र तुहानू दे दिता वह सोहनी गड्डी नहीं तुहानू देगा वह सोहना जहान तुहानू देगा पर तुसी सिर्फ आंदे हो इस जहान दे पैसे मेरे रोटी मैं ना पकावां किसी के कपड़े मैं ना धोवां ये कपड़े मेरे लिए नहीं रोटियां मेरे लिए नहीं झाड़ू मेरे लिए नहीं भांडे मेरे लिए नहीं मेरे लिए बस बैड सुतारा मैनू कोई ना ठाए। सर जी बीमार हो जाओगे तुसी की हो जाओगे तुसी बीमार हो जाओगे ताडे गोड्यां च पानी पै जाऊगा तुसी टुरन की आदत पाओ अपने आप नू कितनों को समझ आ रही नाल दिन पुछ निकल गई नहीं कसरां हालेलुया। मैनू पता खुदा तुहानू शादमान करके अज कलेगा अज बड़िया के कम होणगे ठीक है तुसी परेशान ना होवो तुसी दलेर हो जाओ खुदा तुहाडे बड़ियां जिंदे रुके कम बिजनेस कारोबार चलण वाले ने खुदा इस चर्च नूं अमीर करन वाला है डरना नहीं तुसी ठीक है। अगर इस दुनिया की भुख साडी ही इस दुनिया की गर्मी साडी है इस दुनिया दियां लानतां शैतान ने साडे ते पा दित्तियां खां आउण दे शैतान भी साडे लई ही है उमर ना रहिंदा जो इत्थे ही है तो साडे लई है ना भी तंग सानू करदा है ये भी साडे लई है। अगर इस दुनिया के दुख ताडे लई ने इस दुनिया की भुख ताडे लई है इस दुनिया के इस दुनिया के टेंट ताडे लई ने ये पखे ताडे लई ने इस दुनिया की भुख दुख मुसीबत बीमारी तंग दस्ती ताडे लई है तो जिंदगी च याद रखो इस दुनिया का जलाल भी तुहाडे लई है। अपनी जिंदगी च एक गल याद रखो कदी भी हालातों तो सामने चढ़ी जंज तो हारो ना तुसा आखी जंज भाई सौ जी आयो पर सामने वाले भी बड़े ढीठ सन और डूढ़ सौ आ गए देगा च पानी पा दियो छोरा लम्मा कर दियो डरो ना उन्होंने को आओ मैदान च आओ डूढ़ सौ की त्रै सौ लैके आओ जदों कहणगे ना ये क्या है उन्हें क्या हाँ क्या साडे लई सौ जंज ये डूढ़ सौ वे हुण पतला पानी तुहाडे लई है जंज साडे लई है। हालेलुया। डरो ना जो मर्जी उन्हें को आओ आओ जिदा जिदा दिल करता आओ अही मैदान च खलोते हैं अही मैदान च खलोते हैं गरीबी आना उन्होंने कहा तू आ लड़ लड़ के आ तू मैनू मार जिन्ना मार सकनी तू मार मैनू गलिया के कखा वांगू रोल तू मैनू बिस्त करा लोग बिस्ती तो बड़ा डरते हैं इन्हों का बड़ा हिसाब ला है करजा भी ले लेंगे फिर छुपते ने हूँ देना ना पवे सामने जाया करो मार छड़ मैनू वो डरदा ही तुहानू नहीं मारेगा मर गया तो देगा कौन कितनों समझ आ रही डरिया ना करो जाने देख जावे
ਜਾਉਨੇ ਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਏਡੇ ਨਿਕੇ ਨਿਕੇ ਨਾ ਬਿਸਤ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਏ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਹਲੇਲੂਇਆ ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਡਰੋ ਮਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨੰਗਣ ਦਿਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਿਓ ਆਉਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕੋ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਪਰਵਾਨ ਜੀਸਸ ਖੜੇ ਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਡਰਾਂਦੀ ਨਾ ਮੌਤ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਅਸਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੀ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਆ ਮਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਐਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਰੱਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਰ ਜੀ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਹੁਣ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਜਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੈਟ ਬਿਜਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਫਿਰ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੁਝੇ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਸਸ ਇਸ ਕਬਰ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਸਸ ਦੁੱਖ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਸਸ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ 35-36 ਸਾਲ 'ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬੜੀ ਰੋਵੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਵੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਿਕਮਤ ਸਿੱਖੋ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਅੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਬਰ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਆਪ ਕਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਪ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੇ ਰੋ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੋਵੋ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰੋਵੋ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਵੋ ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੋਈਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੋਰੀਆਂ ਲੋਕ ਰਾਤ ਕੋ ਉੱਠਕਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਬ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਮ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਜੇ ਦੇ ਗਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਕਲੀਸੀਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਾਹ ਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਭੇਦ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ 250 ਵਾਲਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਗਿਫਟ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰੀ ਮਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭੈੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਣੇ ਪੈਸਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਦਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਯਸੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਲੋਕ ਯਸੂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਸੰਦ ਉਹ ਘਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਕੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਨਾਇੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਕੇ ਲਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ
पकीजगी और रास्तबाजी का आखिर है, उन उसके ऊपर रास्तबाजी खत्म हो जाती है, पकीजगी खत्म हो जाती है उसके बाद। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यीशु ने मिट्टी का, वो मिट्टी ना प्यार नहीं करते, उन्हें मिट्टी का पलंग अपने पहाड़ पर नहीं रखा, उन्हें मिट्टी का गद्दा अपने थले नहीं, वो मिट्टी ना प्यार नहीं सी करते, वो मिट्टी के पैसे अपनी जेब च नहीं सन रखते, उस मिट्टी ना प्यार करते हैं जिहड़ी जिंदा है। मैं उस हम खिदमत भरा नूं दस्या, कलीसिया जिंदा मिट्टी है। कलीसिया की है, जिहड़ा कलीसिया ना प्यार करेगा, जिहड़ा कलीसिया नूं दुख देगा, वह यीशु कोलों मार खाएगा। यीशु कोलों की खाएगा, क्योंकि यीशु ने जिंदा मिट्टी ना प्यार किया है। असी सारे कैड़ी मिट्टी ना प्यार करने हैं, असी सारे कैड़ी मिट्टी ना प्यार करने हैं जी। सानू भरा चंगा लगता कि भरा दे पैसे, वेला भरा किनू चंगा लगता, करो प्यार उनू, वो भी तुहाडे लई, जिहड़ा कमाऊ है वो भी तुहाडे लई है, ते जिहड़ा वेला है, पर जिहड़ा वेला ये उनू आंदे ना निकल जा ले लिया जा बौंतर जाना हड राम जान बत में सर जी, वह भी साढ़े लई, इको ही प्यो च पुत्र पैदा है, जे एक पादरी है दूजा नहीं, वह भी तुहाडे लई है। बर्दाश्त करो, जिहड़ा कामयाब है उन्होंने भी बर्दाश्त करो, तो जिहड़ा नाकाम है उन्होंने भी बर्दाश्त करो। अही आना नहीं, ऐ मेरा मुंडा जदों का बहर गया, जदों से बहर गया तो गड्डी गड्डी तो बाद, कोठी कोठी तो बाद, लहर तो पैर पर हो रे की है, वो तुहाडे लई है। कितों को समझ आ रही सज्जी, सब चीज़ें मिल मिलाकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। झूठ साढ़े लिए नहीं, तुसी एक बंदे नूं कर्ज देंदे जे, कर्ज देंदे हो, दे देंदे हो, जिहड़ा कर्ज लैण वाला हुंदा है, दो वारी उहने कर्जा लिया है, तीजी वारी तुसां उहनां नूं नहीं दिता, इह वी तुहाडे लई इंजो है। हुण तूं उहनूं बुरा कहिंदा, हुण तूं उहनूं चंगा कहिंदा, इह वी तुहाडे लई है। उन्होंने कहा नहीं यार कोई गल नहीं, जदों मंगया बंदा कम आया। हमारे बच्चे क्यों अनाइंट नहीं होते, हमारे बच्चे नाफरमान क्यों है, सारी सारी रात फेसबुक नाफरमानी। मापे रोन अके हो जाते हैं पर बच्चे नहीं सुनते। मैंने ये भेद सीखा, माओ माँ एक दूसरे को हिलाए नहीं, खास गल सुननी, साड़ी वारी आई। निक्या होंदया बच्चे क्यों जिद्दी होंगे ने, बच्चे क्यों ढीठ होंगे ने, मापिया की आकड़ रब मार दिया। की मारदा है, पिछों हलीम बन के आए हैं दोवें। अब सुनो इस भेद को, मैं प्रेयर करके सारा दिन वर्क करके कलाम सुना सुना के रात प्रेयर करके सुबह 5-6 बजे तकरीबन सोने के टाइम पर मैं बिस्तर पर गया और मेरी बेटी उठकर कहती है चलो पापा वॉशरूम जाने। मैनू गुस्सा चढ़िया, मैं ये तेनू हूं नहीं पता लगा भी मैं उठ के आया, दुआ दिल की तो फिर मैं ना कोट कट लिया खदाव। उन्हें कहा पादरी साहब जाओ बेटी नू लैके वाशरूम जाओ। जब मैं आया वो आंदे सारी फिर सौ गई, तो मेरी नींद उड पुड गई। फिर खदाव मैंने सिखाता रहा, उन्हें कहा वे तू किड्डे कहर च आया है, तू किड्डे गुस्से च आया है, तेरे गुस्से नू ध्यान से सुनो, नाल दिन को गल सुन ध्यान देखे इसमें हिकमत है। उन्हें कहा तेनू किड्डा गुस्सा, तो दंद पीन लग पे, तेन वट चढ़ गया, तेनू गुस्सा आया, पर तू अपनी धी नू वेख के अपने गुस्से नू मारिया। अगर तेरी धी ना होंदी तेनू मैं प्रैक्टिस ही ना होंदी, तेनू एड्डी कु सारी धी दे के तेरे गुस्से नू मैं मारिया, वेख तेरा गुस्सा मर गया, हुण तू वड्डा बंदा बनेगा। कितनों को समझ आई है, अजे तो तुहाडे बच्चे को अड़ा करते ने, ये तुहाडे लई है। मुश्किल लगन डे। अच्छा ना मेरी गल मनो, चुप करा के दस्यो मैनू जाने, ये राति 3 बजे रोंदे ने उठ के। अच्छा इन्हां नूं होर कोई टाइम, तुसीं जदों जाने रोण दंदा थले जीप दे दिओ। सर जी मैं ये सच कह रहा हूँ, इसी हिकमत को सीखो, मैं खुदा की बातों को जिंदगी से सीखते हैं हम। खुदा आपको औलाद नहीं दे रहा, ये भी आपके लिए है, और खुदा आपको देगा, ये भी आपके लिए है।
आपके फेथ को मजबूत, इब्राहिम के फेथ को वो स्ट्रांग कर रहा था। जो चीजें आपकी जिंदगी में कमजोरी बनकर आती हैं वही चीजें आपको जोरावर बनाती हैं। जो चीजें नीचे होती हैं वही चीजें आपको एक दिन ऊपर लेकर जाती हैं। एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम था जब मैं अपने पादरी जड़े होंगे जो कलाम उन्होंने के शूज कटने उन्होंने साझी रोटी रोटी पानी दुद्ध उन्होंने ढोना इंज 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 करद रहना। कई बार मेरी कमर दर्द कर दी सारी सारी रात बह के तो मैं कलाम सुनना सारी सारी रात बह के कलाम सुनना। सवेरे हम खिदमत दोस्तों ने आना उन्होंने नाश्ता भी लभद रहना। मेरी कमर च दर्द होंगी पर मैं फील हाँ मैं खैर खैर ठीक है। अज मैं तुम एडा वा टेंट बहुत पर लगता है मैं घर सुता हूं खुदा का फजल है यस्सू ने इंज के बच्चे दिते ने जो मैं इतने उन्हें टेंट खलोता हूँ मैं लाना नहीं पैंदा। जदों तुसीं तुहाडे सामने जिहड़ियां चीज़ां आदियां ने तुसीं उन्हां नूं फेस नहीं करदे ते तुहाडी क्लास फिर अगली बारी होती है। जो चीज़ आपकी जिंदगी में आती है उसको रिसीव करना। खुदावंद मैं आमीन मैं थैंक। अयूब दे 11 धियां पुत्र मरे किन्ने उन्हें क्या तू दिता तू लिया गल मुका दी रौला रप्पा पाया 40 रखिया सू 11 बच्चियां ते 40 होंदे किन्ने 40 बनदे 11 40 महल्ले च सियाने है यूब वे का 15 रख लै छोटे का 8 रख लै सानू ओ दिन छुट्टी यही आ जाने इन्हों ने अपने जो है 10 40 जो दिल करे रख लै पादरी 300 रुपया देना उन्हें भी उड्डे उड्डे हालेलुया। ओही गल्लां ओही रसे ओही टग्गे ओही वच्छे ओही घोड़े ओही खुरली ते ओही पट्ठे अयूब नू किन्ने 40 कराने चाहिए हैं किन्ने 10 11 10 11 40 तो 11 मेमोरियल सर्विस सर जी उन्हें एक भी नहीं कराया एक भी नहीं कराई मेमोरियल सर्विस। सर जी रब ने उसकी सर्विस की थी उन्हें 11 धियां पुत्र फिर दिते इतने तुम लोगों को डरना बंद कर दौ अज ताकि बरादरी है ना ये को डरना बंद कर दौ यह जी तू डरा आज साढ़े को खा ली अपने बारी नहीं सू खुआई साढ़े को खा ली सू तो अपने बारी अच्छा अगलिया का मर गया रोटियां की वारी लाने डे दिल मेरा करता गटर खुल जाए तो मैं डुब के मर जा फिर अपने आंदे ने आई एम क्रिश्चन और मैं आख्या क्रिश्चन ही कहना सीख लो यार हालेलुया ये भी मेरे लिए था ये भी मैं जिंदगी सीख लिया बेइज्जती भी मेरे लिए है इज्जत भी मेरे लिए है। एक जगह पे एक पास्टर ऑर्डिनेशन सी पास्टर मखसूस करने सी तो वो घर के अंदर ऐसे सेन था जैसे ये नीचे आप भाई शाह का देखते हैं वो सेन था और उसमें बड़े लोग आ गए बहुत ज़्यादा लोग आ गए और जिन्होंने मखसूस करना ही हम लोग तैयार हो रहे थे तुम्हें पता पास्टर सेपरेट तैयार होंगे टाई लाते फिर परफ्यूम लाते फिर टौरीक बन के आते तो वो भागे भागे मेरे पास गए सर जी सर जी सर जी मैं की होया सर जी जी वध गए दुनिया वध गई कितने बिठाउनी है मैं क्या यार हूँ कपड़े पाण डे आ तुहानू उत्थे खिला रहे जियां नू सांभो सानू समझ नहीं आती सानू मैं अपनी शर्ट को ऐसे पहन रहा था मैंने शर्ट पहनी किता औ गया मैनू सारे ओ वाल वाला कंघी वाला परफ्यूम मैं आख्या तू बह मैं आया हूँ ही आया वहाँ पर गया लोग ऐसे खड़े थे जैसे आप देख रहे हैं। देखें आज बैठने की जगह नहीं है बच्चों को खड़ा करना पड़ा पीछे ठीक है बैठने की जगह नहीं है हमारे पास ठीक है तो बताना ये चाहता हूँ मैं वहाँ पर गया उनके पीछे एक रूम था उन्होंने ताला लाया ही पता क्यों अक्सर पता ही ब्याह उत्ते अपने घर ताले ला के रख रहे हैं प्रौने हमारा चुक लें जिन्ना तो तुसी डर के अपने समान नू ताले लाउंदे जे तुसी व्याह ते बुलाउंदे काले जी उन्हां नू चोरां नू तुसी सददे जे फिर चीज चोरी होंदी मैनू शक सी सर जी तुसी ना बुलाओ चोरां नू बुलाना छड्ड दिओ। बुजुर्ग आदम और बुजुर्ग अम्मा की शादी हुई थी या नहीं किन्ने को रिश्तेदार आए हैं उत्थे कोई नहीं एंजी ब्याह हो गया बेचारे का एंजी कंज कहो एंजी तो कोई ना एंजी करने हैं तू एंजी करना है कुछ भी नहीं करना एंजी आते हो ना और सर जी थोड़ी दुनिया का पहला ब्याह एंजी तो होया
खुदा ने कहा जाओ मियाँ बीवी जाओ बस एन जी विआह हो गया। सर जी एडा ब्लैस विआह है पूरी दुनिया की नस्ल उन्होंने तुहम चो में जड़ा विआह किंज होया किंज होया जिन्हों का इंज ही होया पूरी दुनिया की नस्ल उन्होंने तुखम चे तो जिन्हों के इंज उंज उंज इंज 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 पे आते हैं तो उत्थे कुछ भी नहीं पे आता। सर जी ना एक दूजे को मारो ना एक दूजे को उजाड़ो ना एक दूजे को उजाड़ो एक दूजे को आजाद करो एक दूजे का भार लाओ वह भार रौला करो भार रौला करो ये किदे लई है साडे लई बुराई भी साडे लई है अच्छाई भी। तो मैंने वहाँ पर पहुँच कर मैंने उनसे कहा ये ताला खोलिए हाँ बंद किया मैं बंद क्यों किया प्रौने मैं क्या कलीसिया आई है इन्होंने बिठाना खोलो खोलो ताला जेड़ी जेड़ी शायद चोरी होगी मैं दे दें जेड़ी जेड़ी शायद चोरी होगी। बाइबल में लिखा अपने हमसाए से मोहब्बत कर एक गवांडी नू सी वापस आ मैं कह दी तुम लगता तुम बादशाह जाने वाले लोग आ साढ़े हमसाए साढ़े तो फिटे मुकरते रहते हैं अगर इंज के लोग खुदा फरदोस लै गया तुम अपने नाल के रूम च किसी रहन दोगे खुदावन इसको निकाल कर ले जाओ ये मुझको पसंद नहीं है। सर जी उन्हें उस बादशाह सानू तू खड़ना है इसलिए कहता अपने हमसाए ना प्यार करो झूठे ना प्यार ना करो झूठे न जिंदगी चो बहर कटो उन्होंने को ठीक होगा तो तू मेरा ही है तो मैं तेरा ही हूँ असी रिश्ते पादरी भी रिश्तेदारी च बना लिया पादरी भी रिश्तेदारी च बना लिया सब चीजें आपके लिए हैं आप कौन से सीखना है। आप एक शादी में गए सॉरी पिछली गल उन्हें बुआ खोलिया उन्होंने मजियां मुझिया चिका के आप जी अंदर कीते जी अंदर कीते ये भी मेरे लिए है ये किसके लिए है मैनु गुस्सा है मैं बदतमीज ये मेरे लिए ताकि मैं सब्र करना सीखूं। सबर करना खुदा तानू तत्ती तत्ती चाह दे देंदा केड़ी चाह ओ तत्ती चाह तानू की सिखाउंदी है नाल दांदा मरे हूं सलाह कर की हो गई सर जी ओ तत्ती चाह भी तुहाडे लई है ओ तत्ती चाह भी ते जे ठंडी आ गई है ओ किदे लई सर जी पी जाओ तो ये मेरे लिए कि मैं घर में गया सॉरी पहली गल जी उन्हें अंदर कीते जी जो अंदर गए पिछलियां मैं अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ उन्हें जी बहन की जगह आ गई मैं फिर तुर गया तैयार हूँ वो पास्टर भाई तुम तो यार वे बैठ तुम पादरी बनना तुम बंदे नहीं बने पादरी बनन तुरे सर जी यसू यसू का किसी आर्डीनेशन नहीं किया यसू ने किस यसू न किसी पादरी महसूस नहीं किया यसू का आर्डीनेशन सुने रब ने किया उन्हें कहा मैं तेनों दुनिया की निजात ले चुन लिया कि चुन लिया इतने महल में निजात नहीं भी दी जाती तो रेवरेंट पास्टर सर जी वह ना पढ़ो जिथे भी पढ़ोगे लिखा है जीसस क्राइस्ट ते सारी दुनिया नू निजात दिंदा है सारी दुनिया नू मेरे नाँ दे पिछे रेवरन चार्ल्स प्रोफेसर डॉक्टर ईस्टर वड्डा दिन कोल्डी पीर अहमद शाह मल्ला सा के बटा लिया ते निजात दो जिया नू दित्ती नहीं गई और सर जी उन्हू पुछो जिदा रब ने जिदा आर्डीनेशन रब करेगा वह निजात देगा लोगों नू और लोगों नू निजात देगा। इत्थे मैं वेख्या पेपरां दे लालच नू कार्ड मिल जाएगा लैटर मिल जाएगा पास्टर कार्ड मिलेगा फिर जाग पादरी दे के सिर डाने मैं तेल ला दी मैं तुझे खुदा का खादम मुकर्रर करता हूँ आज के बाद तू खुदा का खादम है वह हाला घर का खादम नहीं बनया। हालेलुया कलीसिया ताड़ा शोर उच्चा है जो कुछ भी सीखना है जो कुछ भी सीखना है यसू के बिचों तो तुसी सीखोगे जो कुछ नहीं लभदा यसू के बिचों लभेगा जो कुछ समझ च नहीं आती यसू के बिचों समझ आएगी जो ताड़ी जिंदगी के राज है वह तुहानू यसू के बिचों समझ आएंगे। जिंदा चर्च जाया करो भावें दो घंटे साइकिल चला के जाना पवे और जिथे भी तुहानू लभ जाए ताड़ियां जुत्तियां कस जान टैंकियां पेट्रोल वालियां मोटरसाइकिल दियां टैंकियां फट जान उत्थे जाओ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਰਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਡੱਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਕੋ ਵੋ ਟੀਚ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਉਸਕੇ ਨੂਰ ਮੇਂ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੜ ਜਾਓ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਖੁਦਾ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਸਭ ਚੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕਰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕਰ ਖੁਦਾ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਲੀਏ। ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਤੁਮ ਥੇ ਪਾਸ ਤੋ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੂ ਨਾ ਥੀ, ਤੁਮ ਥੇ ਪਾਸ ਤੋ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੂ ਨਾ ਥੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਟੁਰ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਅਗਰ ਆਏ ਤੋ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ? ਅਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਡਈ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਭਾਈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ। ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਾਦਮੋ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਪਰ ਗੌਰ ਕੀਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਦਾ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਅਪੜਿਆ? 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟੀ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਫਿੱਟੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸੀਆ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ? ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੇ, ਚੋਰ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋਵਾ, ਸੁਣੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟ ਬਲਦੀ, ਬਲਦੀ ਲਾਈਟ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਦੜਲ ਕਰਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੋ, ਏ ਖਲੋ ਔਰ ਫੜਾ। ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਫੋਨ, ਇਹ ਕਿਸਕੇ ਲਈ ਥਾ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਫੋਨ ਅੰਦਰ ਕਰ। ਉਹ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਚਰਗਾ ਲਾ, ਉਹ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਰਮਾ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਸੀ ਕਬਾਬ ਵੀ 5-7 ਲਾ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਭਰਾਵਾ ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਦੱਸ? ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਪੈਸੇ। ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, 2 ਜੀਨਸ ਦੀਆਂ, 3 ਪੋਲੋ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਓਏ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਤਨੋਂ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ? ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸਕੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਨੇ? ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਆਂਦਾ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਜਲਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਂਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਪਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਹਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਾਲ ਰੱਬ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ। ਜੈਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏ, ਵੋ ਆਪਕੇ ਲੀਏ ਹੈ। ਵੋ ਆਪਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੂਤਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਪਰ ਗਏ ਔਰ ਜੂਤਾ ਵਹਾਂ ਪਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਯੇ ਕਿਸਕੇ ਲੀਏ ਥਾ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਐਸਾ ਹੁਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਏ ਅੰਦਰ, ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ 'ਚ ਫਿਰਦਿਆਂ ਟਾਈ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਲਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬਿਸ਼ਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਿਸ਼ਤੀ। ਸ਼ੂਜ਼ ਲਾਏ ਆਪਾਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਲੇਰੀ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਬੂਟ ਲਾ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਫੜ। ਮੈਂ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਜ ਟੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਟੋਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
उन्हें कहा मैं अपने रसूलों को कहा पैरों तो जुत्ती ला के मनादी करो, जुत्ती लाओ तो नंगी पैरी मनादी करो, तो यसू के रसूल नंगी पैरी टुर गए। और सानू तो उन्हें कभी कुछ आखे नहीं, सानू तो आंदा पुत्र दुआ करया कर, वह भी तुम आते मैं पहला फोन सुन ला, पुप्पो नाराज होंगी है तो पुप्पो की है वह ना ही कह बेटा 2000% कर देना। हाले लोइया, सब कुछ किसके लिए है? आज की बरकत किसके लिए है? आज चर्च के चावल किसके लिए हैं? और अगर किसी को ना मिले तो सर जी आज यसू का खून किदे लिए, आज यसू का बदन किदे लिए, आज का कलाम किदे लिए, तो फिर आज का जलाल भी ताडे लिए, आज का जलाल भी ताडे लिए। हालेलुया।